नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, लालू प्रसाद यादव, मायावती की रैली कवर करने के बाद अब हम बिहार आए हैं नीतीश कुमार की रैली कवर करने के लिए, देखने के लिए कि उनकी रैली में क्या होता है। कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे हैं पहली बार अपनी राजनीतिक लड़ाई बिहार के स्तर पर, और वो तमाम सर्वे और जानकारों की राय में तीसरे नंबर पर बताए जा रहे हैं। ये भी दलील पेश की जा रही है कि उनका जो सामाजिक आधार है अति पिछड़ा वर्ग, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बिखर गया है, एक तरह से नरेंद्र मोदी के पास जा रहा है। लेकिन उनके सामाजिक तबके में घूमने पर यही पता चलता है कि ऐसी स्थिति एक रूप से कहीं भी नहीं है जिस तरह से हमारे जानकार नीतीश के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। चुनाव का नतीजा चाहे जो भी होगा, लेकिन हम यहाँ आए हैं कि इनकी रैलियों में किस तरह के इंतजाम होते हैं, किस तरह की आकांक्षाएं हैं, किस तरह का जोश है, तैयारी है और भीड़ भी। लेकिन ये बहुत ही छपरा जिले के एकमा विधानसभा क्षेत्र में एक सभा के स्तर की रैली है। वो रैली जो आज तक जो नरेंद्र मोदी ने एक स्केल बड़ा कर दिया रैलियों का, उसकी तुलना में तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक पूरे प्रबंधन के साथ ये यहाँ पर रैली आयोजित की जा रही है और थोड़ी देर में नीतीश कुमार आने वाले हैं। तो कितना चावल पे एक आइसक्रीम दोगे? कितना चावल पे? 250 ग्राम चावल ले आएगा तो एक आइसक्रीम, ये वाला दो मिलेगा ना, 10 रुपये वाला, 10 रुपये वाला एक है 250 ग्राम। यहाँ तो मुद्रा विनिमय व्यवस्था ही नहीं है, देहात है तो लोग पैसा से नहीं खरीदे, अनाज से खरीद रहे हैं। पैसा लाएगा तो किनेंगे ना हम लोग। अरे हम तो अपने दिल्ली वाले दर्शक को दिखा रहे हैं ना कि बार्टर सिस्टम होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। मास्टर साहब पढ़ाते थे तो मुद्रा विनिमय प्रणाली और वस्तु विनिमय प्रणाली दोनों साथ साथ चल रहे है ना। सिक्स क्लास में पढ़ाते थे, सिक्स क्लास में है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्रा विनिमय प्रणाली। तो ये एंशियंट सिस्टम था, बार्टर सिस्टम। 250 ग्राम पे एक देते हो, दो आई, एक 10 रुपये बोलो नहीं बोलिए बोलिए। पर यहाँ तो लोग कह रहा है नीतीश का कोई चांस नहीं है बिहार में, ऐसा क्यों? ऐसा तो सर चांस तो है, चांस है, चांस है तो नीतीश सरकार कोई ऐसा चांस नहीं, चांस उनका 90% का उम्मीद है। रैली में आया तो सब बोलिएगा कि पूरा उम्मीद है, उम्मीद है सर, हाँ सर। सभी की सरकार बनती है सर, सिंपल बात बताओ। लोग कह रहा है कि जो अति पिछड़ा है वो भी अब मोदी के पीछे चला गया, ऐसा है क्या? नहीं नहीं सर, ये बात आपका गलत है सर, ये बात गलत है सर। मीडिया वाले की जी साहब, ये बात आपका गलत है साहब। सब तुम लोग जहाँ जाते हैं खाली मीडिया वाले का धुलाई करते रहते। नहीं सर, मीडिया का धुलाई हम लोग करेंगे, लेकिन पहचान जाते हो कि मीडिया वाला ये काम कर रहा है, समझ जाते हो? नहीं तो बात ये अच्छा, हम जो भी करें समझ जाओ तो बस उतने में ठीक है। ओके सर, हाँ सर, ये बात ठीक है। ये अति पिछड़ा लोग नहीं गया है नीतीश को छोड़ के? नहीं साहब, हम लोग का नेता, हम लोग का नेता यही है, हम लोग इसको वोट देंगे। अब ये इसका का नाम है, हम लोग को बनाए, हम लोग का कहने का मतलब यही है साहब, बाकी कुछ नहीं है। पर लोग कह रहा है कि बहुत गलती किए बीजेपी का साथ छोड़ के, नहीं नहीं अहंकारी हो गए हैं। तो जो भी किए हैं ना सही किए हैं, सही किए, अपना अपना देखने के लिए बहुत अच्छे किए हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं कि नहीं किए, ठीक है। परिवर्तन हुआ है बिहार में जी, और परिवर्तन के कारण सर अगला वर्ष नीतीश का उतना बम्पर वोट हुआ, लेकिन इस बार तो अकेले पड़ गए हैं, बीजेपी अलग हो गई है, लालू उनसे लड़ रहे हैं जी। तो पेपर वाला लिख रहा है, टीवी वाला बता रहा है कि नीतीश कुमार खत्म हो गए बिहार में, क्योंकि उनका एमबीसी वोट जो है अति पिछड़ा, अपर कास्ट चला गया है बीजेपी के साथ जी। यादव मुसलमान चला गया है लालू के साथ जी। और नीतीश के साथ जो अति पिछड़ा था वो भी चला गया है बीजेपी के साथ, ऐसा कुछ बोल रहा है सर, ये गलत बात है। क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछड़े हैं और पिछड़ों के नेता है, इसलिए पिछड़ा लोग उनके पीछे चला गया है, गलत पता है सर। नीतीश के आने के बाद आप लोगों की पहचान मिली है, मिली है जी साहब, जी साहब। हम लोग भी मांगते हैं, पिछड़ा को कोई नहीं पूछता था, नहीं साहब, हम लोग, हम लोग का कहना यही है, हम लोग आपको माने हैं, हम लोग का भी आप माने तब ना, सब दोनों दिल मिल के होता है साहब। सरकार हमारे यहाँ सर, हमारे रहेंगे, बस यही हम लोग का कहना है साहब। लालू सरकार 15 बार चलाए है ना, तो नीतीश सरकार 50 बार चलाएंगे, चलाएंगे जरूर चलाएंगे। एक पक्ष है कि यहाँ पर नीतीश के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा से संबंध तोड़ के सही किया उन्होंने, है ना,
कहीं और जाइए तो वो सुनाई देता है बिहार में कि उन्होंने गलती की है जिसकी सजा उनको मिल रही है, पर आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग उनके साथ हैं, है ना? पर अति पिछड़ों को उन्होंने एक पहचान दी है नीतीश ने, नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को पहचान दी है, पिछड़ों को पहचान दी है, बिहार को भी पहचान दी है उसने, बिहार बिहार को भी पहचान दी है, बिहार में विकास का जो दर है वो 13.6% है, 13.6% है, मैंने इतना रट लिया है सब लोग, जी सर यही पॉलिटिक्स में चाहता हूँ जी, लेकिन हम विकास का मतलब फिर और भी समझ जाए तो फिर अच्छा रहेगा। और क्या समझना चाहते हैं? आप लोग का गांव यही है आसपास में है? कहाँ गांव है आपका? कहाँ गांव है? कोई बोलिए नहीं रहा, मेरारू लोग यहाँ नहीं बोलती है क्या? बाबू का परसा है, परसा है, औरत लोग यहाँ लगता है गांव में नहीं बोलती है, नहीं है केहू से बोलिए नहीं के निकला, पूछा था नहीं कौन बात है कि वो जवाब नहीं खेते। हम पूछ रहे थे कि भाई एक जब पहले के चुनाव में नीतीश जब आए तो औरतों ने काफ़ी वोट दिया था उनको, और उसमें सभी जाति की औरतें थीं, अब वो बड़ी जाति वाली जो अपर कास्ट की औरतें हैं वो भी नहीं नज़र आ रही हैं, अपर कास्ट वाले सब कह रहे हैं लोग नीतीश के खिलाफ हो गए हैं, तो कैसे होगा फिर है? मुश्किल सवाल है, है? अच्छा इनके शासन व्यवस्था में औरतों को कुछ मिला नीतीश कुमार के राज में है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, एक सोशल ट्रेनिंग की भी बात है कि आप जैसे ही आप एक समण महिलाओं के समूह में पहुंचिए तो वहाँ बोलने की मात्रा या उसकी बारंबारता काफ़ी ज़्यादा है। अति पिछड़े समूह में यह समूह पहली बार बिहार की राजनीति में अपनी पहचान तलाश कर रहा है नीतीश के ज़रिए, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तबका इस बार टूटकर मोदी की तरफ जा रहा है, नीतीश का दावा है कि ये तबका उन्हीं के साथ है। ये उस समाज की औरतें हैं जो शायद टेलीविज़न पे बोलने के मामले में उस तरह से मुखर नहीं है, मगर इनकी मौजूदगी, इनकी चुप्पी और इनकी हिचकिचाहट को भी एक तरह से बोलने के रूप में देखा और समझा जाना चाहिए। नीतीश कुमार के आने से पहले मतलब इस मंडप में हमारे एक सहयोगी ने बताया कि नीतीश के हर रैली में औरतों के लिए एक अलग व्यवस्था है। पिछली बार की सरकार में नीतीश को औरतों ने काफ़ी समर्थन दिया था, तब बीजेपी साथ थी, और इस बार भी कई जो मतदान हुए हैं बिहार के लोकसभा चुनाव में ये देखा गया है कि कई ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर औरतों का मत प्रतिशत पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है। अब ये किसके पक्ष में गया है कोई नहीं जानता है, नीतीश के पक्ष में गया है, लालू के पक्ष में गया है, या फिर नीतीश के पक्ष में आया है। नीतीश के पक्ष में क्या बात है? मैं आप ही बहुत सुविधा है सर, क्या घर भी मिल गया, यदि हम लोग को राशन किराशन सब कुछ मिलता है तो हम उसको पक्ष में नहीं आएगा तो किसके पक्ष में आएगा? हम लोग के सर बच्चा के भी पढ़ने की सुविधा हो गया है, पहले नहीं था ना, पहले नहीं, पहले जो बताइए कि जब नीतीश बीजेपी के साथ थे तो सब जात का लोग था ना कि विकास के लिए, अब तो वो लोग नहीं है, तो कहाँ, तो फिर नीतीश कैसे जीतेंगे? तो कहे हम, हमारा जितना नंजा थे सभी हमारा एक साथ में है, नीतीश को, नीतीश को, मोदी को, मोदी का लहर नहीं, नहीं, नहीं हमारा जात में, हमारे के देश में नहीं है, बिंदालाल के रामपुर हमारा घर है, हम लोग का नीतीश के साथ में है, नीतीश के साथ जब से नीतीश के साथ में हम लोग रहते हैं हम लोग को बहुत सुविधा मिला है, बच्चा के भी शिक्षा मिलता है, पहले कुछ भी नहीं मिलता था, हम लोग गरीब था तो हम लोग को बाल बच्चा पढ़ने भी नहीं जाता है, सकान नहीं है, तो जिसका मन करेगा उसको देंगे, सुनेंगे सब किसी का, है ना? लालू सर सुने, नीतीश कुमार का बात सुने, लालू जादू का बात सुने, हमने का तो पब्लिक है सर, कहीं का बात सुने, क्या बात है, क्या बात है, ये असली बात होता कि सबका सबकी सुनिए, कीजिए अपने मन की, है ना? सबका बात सुनने का बस नीतीश लालू मोदी सबका सुनिए, वोट अपने मन से, सबका बात सुनने का, हमने खाते सब गुस्सा है नीतीश को लेके, किसको लेकर गुस्सा है? कांग्रेस को लेकर गुस्सा है, लालू को लेकर गुस्सा है, है गुस्सा कहे रहे, किसी से गुस्सा नहीं है, अच्छा गुस्सा भी नहीं है ना, कोई से गुस्सा नहीं, क्या बात, कितनी अच्छी पब्लिक, गुस्सा कोई से आंधी के नहीं करा, और हमने किसी का गुस्सा नहीं, गुस्सा कोई से, बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग भाई, गुस्सा हमने के कोई से, वो दिल्ली के अखबार में लिख रहा है कि पब्लिक बहुत गुस्से में है, ऐसा नहीं है, हमने के बोल बतावा हूं नहीं के बतावा हूं, गुस्सा कोई से नहीं, क्या बात है, आप भोजपुरी में बोलिए कि सही बानी, किया भी तब भी गुस्सा नहीं, नहीं किया तब भी उससे गुस्सा, सब तरह हमने के ठीक बानी, इतनी अच्छी पब्लिक कहां होती है, ये है, इतना मुश्किल है हिंदुस्तान में आप दर्शकों तक औरतों का नजरिया पेश करना, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं बड़ा संघर्ष करना पड़ता है,
पुरुष इतने सक्रिय हैं जो सार्वजनिक स्पेस में हम कैमरा घुमा कर दिखाएं वो पूरी तरह से घेर लेते हैं और एक तरह से एक दबाव बन जाता है कि ये अपनी बात कैसे कहें, तो उतने मुखर होकर नहीं कह पाती हैं, तो फिर धीरे 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 बातें होती हैं। हर जगह मर्द लोग घेर लेता है और औरतों को वो स्पेस नहीं मिलता है, इसीलिए लोकतंत्र में जितना भी जनमत पहुंच रहा है वो सब मर्दाना जनमत है जो टीवी के जरिए आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि औरतों तक हम लोग भी जब पहुंचने की कोशिश करते हैं बहुत धक्का मुक्की करनी पड़ती है, लोगों को भगाना पड़ता है, तब भी जैसे कैमरा शुरू होता है धीरे 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 लोग आ जाते हैं, वो पूरा घेर लेते हैं, चढ़ जाते हैं। रोपनी करता है, कटनी करता है, ले आकर खात। जब वोट गिरेगा वाला तो लोग वोट पे गिरेला, वो वोट के समय पांव पे गिर जाता है, नहीं दूसर का करता ना कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। अब क्या चीज चाहिए हम लोग का? राशन की राशन, इंदिरा आवास, पेंशन सब कुछ मिल रहा है, अब क्या चाहिए? कुछ कमी नहीं है, प्रशासन भी टाइट है, चोरी डकैती रास्ता में हम कभी चलते हैं लेकिन कोनो आगे पीछे नहीं छेड़खानी करते हैं। हवा नहीं, हवा भी नहीं आ रहा, सब घेर लिया है। जाओ ना भाई, गजब हाल है, जाओ ना भाई। ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का मेल प्रॉब्लम है, मर्दों की समस्या है, इसको ठीक करनी पड़ेगी। ना तो जनमत के मामले में, ना अभिव्यक्ति के मामले में ये लोग औरतों को स्पेस देते हैं, और ये हर किसी पार्टी में चला जाऊं यही नजारा होता है। एक पार्टी की बात है, हर पार्टी का यही है, इसीलिए आपका लोकतंत्र इतना हिंसक, इतना ताकत और दबाव वाला लगता है कभी कभी। क्या नाम है? अजय कुमार तिवारी। अजय कुमार तिवारी। तिवारी जी, तिवारी ये बताइए कि क्या सचमुच आपको लगता है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर से जाति पाति की तरफ लौट जाएगी? क्योंकि ये सुनने को मिलता है कि नीतीश से सवर्ण नाराज है, यादव नाराज है, तो इस तरह से फिर तो हम 2000 पहले की राजनीति की कहीं आहट तो नहीं सुनाई दे रही है? सर अभी ऐसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कह सकता है। आप नाराज हैं नीतीश से? नाराज नहीं हूँ, हर अगर 5 साल पर परिवर्तन हो अच्छा रहे, तो कोई काम भी करेगा तब भी चेंज कर देगा, नहीं तब तो बेटर है। तो जो हम चाहते हैं अगर वो मिल रहा है तो हो सकता है कि उसले भी तो अच्छा काम कर सके, और माने ने जो का है वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको भाई क्यों हटाएंगे? 8 साल पहले भी नीतीश कुमार यहाँ आए थे, लेकिन जैसा पहले परसागर था वैसे ही आज भी है, हमको कुछ इसमें बदलाव नहीं दिखा। बहुत ज्यादा चेंज हुआ जी, सड़क बनी है, बहुत सारे काम करवाए हैं, जो बनाया तो हाँ, जब से नीतीश आए हैं बहुत काम किए, काम तो बहुत पहले से ज्यादा ही। अभी ये आए तभी ना हुआ, सरकार पहले भी तो थी, लालू राज के भी पहले स्कूल ठीक नहीं था, रोड ठीक नहीं था, हम लोग को रोड हुआ जी बहुत ठीक हुआ। उस बिहार में ऐसा क्या हुआ कि लोग ये कहा जाता है कि नीतीश अब तीसरे नंबर पे चले गए, एक सीट मिलेगी उनको या 2 सीट मिलेगी, ये क्या है, इसका मतलब क्या समझे? ऐसे हम कुछ नहीं मानते हैं, ऐसे तो ये रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा ये कौन किसका कितना सीट आ रहा है। वो सही है कि रिजल्ट के बाद पता चलेगा, हम भी व्यक्तिगत तौर पर सर्वे में बहुत विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतनी विविधता है इस देश में, कुछ सर्वे कभी सही हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो दोनों उसका प्लस माइनस का रिजल्ट है। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि जो अपर कास्ट है वो चला गया है, नीतीश को छोड़ दिया है, उसके 2 कारण है, उसको नीतीश अहंकारी लगते हैं, उसको नीतीश उसके हिसाब से कि नीतीश ने गलती की बीजेपी से संबंध तोड़ के, नीतीश का दूसरा जवाब है कि उन्होंने एक वैचारिक लाइन ली है ना, ली है तो उसकी कीमत चुकाएंगे चाहे जैसे भी हो, ये है। लेकिन इसके बीच में फिर लालू यादव उभर रहे हैं, तो जो बात हो रही है उसी के आधार पर ऐसा लगता है कि एक जातिगत गोलबंदी हर खेमे में हर किसी के लिए हो गई है बिहार। हमको देखने से तो पहले से बहुत अच्छा है, पहले से अच्छा जी बहुत अच्छा है, पहले से लोग चैन में है, अच्छा से नींद लेते हैं, स्कूल अच्छा हो गया है, सड़क अच्छा हो गया है, रोड अच्छा हो गया, लेकिन और चाहिए लोगों को, और चाहिए जी। देखिए जी 5 साल तो हो सकता है कि मान लीजिए कोई काम हुआ है और उससे भी आज अच्छा कुछ हो, लोगों का वो डिमांड बढ़ गया बिहार के लोगों का, नहीं तो बढ़ेगा ही, पहले लगता था कि सड़क बन गई तो यही बहुत है, बाप रे सड़क बन गई, पहले कुछ था ही नहीं, हाँ तो अब लगता है कि सड़क के बाद और क्या, और कुछ भी बने, और कुछ भी बने है ना। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि एक जो पूरा जो अपर कास्ट इधर चला गया, ये जो इक्वेशन बताया जा रहा है, तो ये चिंता की बात नहीं है कि फिर बिहार में ऐसा कुछ क्या हुआ? मतलब लोग कहा जाए कि अति पिछड़ा भी है वो भी नरेंद्र मोदी के पीछे चला गया इसलिए कि वो पिछड़ा है ऐसा बताया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए वो बताए पूरे पूरे इंडिया में भी मोदी जी का ला रहे हैं, ठीक है ना, मोदी जी का ला रहे हैं इसलिए कोई बोल रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं, वैसी कोई बात नहीं है यहाँ के लिए, यहाँ जो बात करें लेकिन उनकी लहर है, ठीक है, यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं है आप, ये हम यहाँ मोदी का कोई अच्छा प्रचार या प्रसारक नहीं है,
मोदी का यानी प्रचार से हो जाता है, मतलब प्रचार से नहीं। तो आप लोग ये अंतर कर पाते हैं कि जिस तरह से रैली औसत स्तर की संसाधनों के मामले में, लोगों के मामले में, अगर आप राहुल गांधी की रैली देखें या नीतीश नरेंद्र मोदी की रैली देखें तो काफी भव्य तरीके से हो जा रही है। तो ये चिंता, इसको लेकर आप लोग चिंतित नहीं होते हैं कि राजनीति में इतना धन बल आ रहा है, ये सही है कि नहीं है? इस सभा की व्यवस्था कर रहे हैं, धन बल वाली चीज तो सही नहीं है, सही नहीं है। तथा हमारे और नीतीश के राज में भी कोई उधार नहीं आया है। नीतीश बहुत सारे साइकिल लागू करवाए स्कूलों में, बहुत सारे पर वो तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन और चाहिए। हाँ तो वो तो चाहिए, सिंपल सी बात है। डिमांड बढ़ गया। एक बात आपको लगता है कि अगर वो सीट कमजोर हो गई इस लोकसभा चुनाव में तो मनोबल पे असर पड़ेगा और शायद विधानसभा असर तो पड़ेगा? नमन करता हूँ। अभी नीतीश को ये लगा होगा कि अगर मोदी से लड़ते हैं तो बिहार की जनता उनका साथ देगी, इसमें कोई शक नहीं, खड़ी होगी मोदी से डायरेक्ट हिट करेगी। हाँ, तब तो बिहार हमारा कैसा होगा? मोदी जी का विज्ञापन पर खर्चा, चुनाव है, मोदी जी का विज्ञापन पर रोक लगा दिया। बताइए, एक प्रधानमंत्री का दावेदार कमल का फूल दिखा करके मोबाइल लेकर के वोट देकर के ऐसा करता है, देश के लिए क्या करेगा? बताइए, देश के लिए मोदी जी विज्ञापन के माध्यम से बहुत आगे चलते हैं। जी जी, ये बिल्कुल है। दस आंधी के घर पे, दस आंधी ये टोला है, वहाँ पे बड़ा सा LCD TV लगा के सबको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसके माध्यम से ज्यादा उछल रहा है। और ये नीतीश लाल नहीं कर पा। जी नहीं, नीतीश जी आप जब कह रहे हैं कि यहाँ से वोट देंगे, नीतीश ने क्या दिया फिर बिहार? नीतीश बिहार में अच्छा रोड दिया है, स्कूल दिया है, गरीबों को उपहार, उसके बाद भी घर बन रहा है, उसके बाद बच्चों को पढ़ने के लिए, गरीब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए पैसा मिल रहा है। बीजेपी कहती है इन्होंने कुछ काम नहीं किया। नहीं, ऐसा हम मेरे देखने से कुछ नहीं है। नीतीश कुमार काम किए हैं, किया है। एक सेकंड, बोल रही है ना, कुछ नहीं किया है, लेकिन अगेंस्ट पार्टी जो है वो भी तो बोल रही है गुजरात में कुछ नहीं हुआ है। तो आप क्या मानते हैं कि गुजरात में कुछ नहीं हुआ है? हम मानने वाले कोई नहीं, हम तो आपसे पूछेंगे। कोई ना, अगेंस्ट पार्टी ऑलवेज किसी को बोलेगा, ठीक है ना, हमेशा बोलेगा अगेंस्ट पार्टी। मान लीजिए आप कह रहे काम हुआ है, तो उस हिसाब से जनता को नीतीश के प्रति खुश रहना चाहिए। जी, और अगर रिजल्ट उनके काम के अनुकूल नहीं आया तो क्या ये संदेश जाएगा कि भाई बिहार में आप कुछ भी काम कर लो, अंत में राजनीति जात पात की तरफ चली जाए? ये सेटबैक हो सकता है इस चीज को। बिहार में एक धारा पलटी थी कि बिहार में विकास ऊपर हो गया है, जात पात अलग हो गया है। जी, अलग, सही बात है। तो इसकी भी परीक्षा है, नीतीश से कहीं ज्यादा इस राजनीति की भी परीक्षा है। जी, उसमें क्या होगा बिहार के स्तर पे, क्या अगर नीतीश का अगर सीट कम आएगा तो उसका कारण होगा कांग्रेस के साथ गठबंधन, ठीक है ना, दूसरा कोई कारण नहीं होगा। अगर ये भाजपा के साथ रहते हैं तो हम लोग, अगर इसमें कमजोर होगा तो नीतीश विधानसभा में भी कमजोर होगा एकदम से। और अरे भाजपा से आपको लगता है कि होगा ऐसा? ऐसा हमारा सोचना है, भाजपा के साथ गठबंधन भाजपा में रहते ना तो 100% हम बोलते हैं कि इनको कोई नहीं है। भाजपा से गठबंधन आपको लगता है कि भाजपा से गठबंधन तोड़ने सही गलत ये नहीं? क्या इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की तरफ बिहार में भी मुस्लिम वोट काफी महत्वपूर्ण हो गया है? लालू दावा कर रहे हैं कि वो उनके साथ है, नीतीश दावा कर रहे हैं कि उनके साथ है। नीतीश के आने से पहले मंच पर एक नेता भाषण दे रहे हैं मुस्लिम प्रतिनिधि के तौर पर, और वो कह रहे हैं कि ये गलत है कि मुसलमान लालू के साथ है, मुसलमान नीतीश के साथ है। आने दीजिए नतीजा, आप ये भी देख लेते हैं कि मुसलमान किसके साथ है, वो विकास की राजनीति के साथ गया है या सांप्रदायिकता के सवाल पर जिसे लालू आगे कर रहे हैं उस सवाल पर लालू के साथ जा रहा है। जिस आदमी ने जिसके आगे बढ़ाकर बिहार में विकास की राजनीति शुरू हुई उसके बारे में अब ये बात कही जा रही है कि इस बार के चुनाव में जनता ने उसको छोड़ दिया है। चुनाव से पहले बहुत कुछ कहा जाता है, सही बात तो चुनाव के बाद ही पता चलता है कि एक पुरुष जिसने विकास किया, जिसने विकास की राजनीति चालू की बिहार में, नीतीश कुमार जी से पहले केवल जात की राजनीति होती थी, और नीतीश कुमार जी के आने के बाद अगर विकास का बात हो रहा है बिहार में, उसके बाद भी अगर बिहारी लोग अगर नीतीश कुमार का साथ छोड़ते हैं तो ये बिहार का दुर्भाग्य है। अगर नीतीश को कम सीटें मिलती हैं तो उसका फिर असर क्या होगा बिहार पे, बिहार की राजनीति?
अगर कम मिलती है, दो या तीन मिलती है या नहीं मिलती है। मोदी कह रहे हैं तीरंदाज उड़ गया हवा में, लालू कहते हैं ये भी उड़ गया साथ में हवा में उड़। मैं कहूं तो मेरे हिसाब से सीटें कम नहीं होने वाली हैं बिहार में। अगर हो भी जाती हैं सीटें कम तो ये सेंट्रल की बात है, विधानसभा में फिर नीतीश जी फुल बहुमत में सरकार बनाएंगे, आएंगे बिल्कुल। उनका मनोबल नहीं गिरेगा कि उन लोग नहीं कहेगा कि आप गए थे मोदी से लड़ाई कर ली, आप देखिए आप ये हालत हो गई। नहीं नहीं, जहां उनको भी तो लगेगा कि जनता ने उनका साथ नहीं दिया, जिस वैचारिक मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ाए हैं और उस पर जनता का समर्थन नहीं मिलेगा तो एक तरह से उनका मनोबल तो गिरेगा ना। कोई इस्तीफा मांगेगा उनसे, कोई विधायक चला जाएगा तो अल्पमत में आ जाएगी, सरकार गिर सकती है। मतलब अगर मैं नीचे की बात करूं, आपसी मतलब गवाही बात में बताऊं, तो कुछ लोगों का मत है कि भाई सेंट्रल में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, फिर जब बात बिहार का आएगा, विधानसभा का आएगा, तो फिर नीतीश जी विकास किए हैं बिहार का, इनके साथ आया जाएगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है कि हो सकता है कुछ संसद की संख्या कम हो जाए, सांसदों की संख्या, लेकिन विधायकों की संख्या में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। कुछ कम करें लेकिन ये भी नहीं होगा कि उनको दो या तीन सीट आएगी। नहीं नहीं, ये गलत है। ये बिहार की रैली का आप मजा लीजिए। नेता के आने के इंतजार से पहले लालमी, ककड़ी, जलेबी, चाउमीन, आजकल यहाँ चाउमीन चाउमीन हो गया है, चाट चाउमीन एक राष्ट्रीय व्यंजन के रूप में आ गया है। एक तरह से ये खाने पीने का भी मार्केट काफी अच्छा है। कानपुर की एक कांग्रेस की रैली में कोक के प्रतिनिधि मिले थे जो बता रहे थे कि हर रैलियों में वो पानी के बोतल बेचने का इंतजाम करते हैं और कितने बोतल कितना बोतल बिकता है उसके हिसाब से वो रैली की कामयाबी आंकते हैं। पर यहाँ तो इस तरह के प्रतिनिधि नहीं हैं, मगर छोटे छोटे चाट ठेले वाले ज़रूर हैं नीतीश कुमार की रैली में। पता है कि मुख्यमंत्री की रैली है, शायद भीड़ होगी, इसलिए भी ये लोग भी उसी आइडिया से यहाँ आए होंगे। क्या बात है, नौजवान साथी भी कहे तीर छाप तो उसकी प्रेमिका भी कहे तीर छाप। चलिए, ये पहली रैली है जहां प्रेमिकाओं का इतना सम्मान है, अच्छी बात है। नीतीश सही में बहुत मुश्किल चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उनको साबित करना है और ये बिहार को भी साबित करना है कि वो बीजेपी से अलग होने के उनके फैसले को किस तरह से लेती है। ये आशंकाएं भी इस चुनाव के बाद बड़ी हो सकती हैं कि बिहार में कि क्या नीतीश विरोध के नाम पर बिहार में फिर से जातिगत गोलबंदी होने वाली है, देखते हैं। पर इस तरह की बातें बिहार की राजनीति में की चर्चा में अब आ गई। चांद से खाया है मैंने धोखा, चांदनी से लगता है डर, घर जब से जला है मेरा रोशनी से लगता है डर। आपको लगता है कि बिहार में मुसलमान नीतीश के साथ है, लोग कह रहे हैं कि सारे जेडीयू के आरजेडी के साथ चले गए, आप अभी मंच से भाषण दे रहे थे कि मुसलमान। जी जी बिल्कुल, मुझे महसूस भी है और लग भी रहा है कि बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार के साथ हैं। क्योंकि एक दलील दी जा रही है कि लालू के पास 15% यादव का वोट है, वो उनके साथ जाएंगे तो बीजेपी को हराएंगे। 18% हम लोग हैं, सारा 18% की तादाद हम लोगों के पास है, तमाम मुसलमानों के पास, वो सब नीतीश कुमार के साथ रहेंगे और है भी। आपको रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा कि महाराजगंज का ये आपको संसदीय क्षेत्र है महाराजगंज, हम वहाँ दौरा कर रहे हैं और जगह से रिपोर्ट भी आ रहे हैं। नीतीश हार गए थे ना, यहाँ उपचुनाव हुआ था तो पिछले बार हमारा ये सीटें नहीं था, मैंने जीतने का प्रयास किया था, ये हमारा सीट था नहीं, लेकिन इस बार हम सीट छीन लेंगे। पूछना हमको ये था आपसे कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की रैली होती है या राहुल गांधी की होती है तो रैली की बहुत सारी तस्वीरें लेके ट्विटर पे डाला जाता है, आप लोग नहीं करते हैं सर? कुछ नहीं, और एक लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग होता है कि जिससे न्यूज चैनल वाले अपने यहाँ से लेके लाइव टेलीकास्ट कर, वो भी नहीं करते हैं? हम लोग प्रचार तंत्र में विश्वास नहीं करते, हम लोग विकास तंत्र में, इसलिए प्रचार तंत्र सब उससे लोगों को पता चलता है कि रैली हो रही है, भीड़ हो रही है, नहीं ये सब नहीं करते हैं। कोई यहाँ पे, मैं अभी लालू जी की रैली में था, इनकी रैली में हूँ, हो सकता है कहीं और पे मीडिया हो, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी की रैली में, राहुल गांधी की रैली में, दोनों की रैली में, जी जी राहुल गांधी की रैली में 8-8 कैमरे लगे होते हैं और फिर उससे शूटिंग होता है,
और नरेंद्र मोदी की रैली में वो लोग पूरा एक प्रोफेशनल कैमरे से शूट कराते हैं, ये सब आप लोग नहीं कर रहे हैं। एक चीज हमने भी नोटिस किया है यहाँ पे कि अभी नीतीश कुमार के आने में देर है, कि 20 मिनट देर है। खैर, कि ये जो रैली जिस जगह पे हो रही है एक तरह से उस दुनिया से कटी हुई है जिसे सोशल मीडिया जोड़ देता है। हर मिनट हर सेकंड तस्वीरों का प्रचार नहीं है कि नीतीश की रैली में इतनी भीड़ है या नहीं है। एक तरह से अंदाजा करना बड़ा मुश्किल है कि आप महानगरों में बैठे कि गांवों में किस नेता का कितना समर्थन है। तो एक सतत प्रचार की जो प्रक्रिया चलती वो यहाँ नहीं है। लालू प्रसाद यादव की रैली में भी था, नीतीश कुमार की रैली में भी था। इन दो रैलियों में मैंने देखा कि कहीं कोई बड़े बड़े ओबी वैन नहीं है, बहुत बड़े बड़े पत्रकार वहां पे नहीं है, बहुत सारी संख्या में कैमरे नहीं है। प्रिंट के जरूर पत्रकार हैं जिनकी खबरें छपती होंगी। ये चुनाव अपने नतीजे में यह भी साबित करेगा हिंदुस्तान की राजनीति में क्या सचमुच प्रचार तंत्र से जनमत को अपने साथ खड़ा किया जा सकता है। जो भी जनमत आएगा, जनादेश आएगा, उसमें इसका कितना पक्ष होगा। जिस तरह से मैं गाजियाबाद में नरेंद्र मोदी की रैली में था, वहां बीजेपी के आईटी सेल के 18 कंप्यूटर लगाए थे, 18 या 17, और उन तस्वीरों को ट्विटर पे ट्रेंड कराया जा रहा था। तो एक माहौल बन रहा था कि ठीक है, बहुत लोग आए हैं वहां पर, लोग यहां भी आए हैं, लोग वहां भी थे, लेकिन ये इसकी पूरी स्मृति आज की जो भी इनकी रैली होगी वो यहीं पे रहेगी और यहीं पे समाप्त हो जाएगी। वो आगे बढ़ के किसी दूसरे जिले में या किसी तीसरे जिले तक नहीं जाएगी। अगर आप यहाँ नहीं हैं तो आपका लिए अंदाजा कर पाना मुश्किल है कि नीतीश की सभा में कितने लोग हैं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उस सभा में किस तरह का भाषण है, किस तरह की प्रतिक्रिया है। यहाँ तक कि पेपर में भी ऐड नहीं आता है, कुछ तो आता होगा इसमें। नहीं आता है, परसों मीटिंग है, पेपर छापी है, पेपर छाप, हम लोग का ऐड नहीं आता। किसी नेता की रैली में होते हैं तो वहां आए लोगों, कार्यकर्ताओं और नेताओं के उत्साह के अनुसार भी सारा माहौल को देखने का प्रयास करते हैं। नीतीश ने नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। नरेंद्र मोदी नीतीश को तीरंदाज करते हैं और कहते हैं कि वो हवा हो गए। एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये 16 मई के बाद बिहार से ये कहानी निकलनी है कि क्या नीतीश ने जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दी उस पर जनता का समर्थन मिला कि नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से नीतीश यहाँ पर उतरे हैं, उनके कार्यकर्ताओं और उनके स्थानीय स्तर के नेताओं में उनके प्रति विश्वास आज तक तो जरूर झलक रहा है। वो अभी भी लगता है कि ये वो शख्स है जो शायद उनकी पार्टी को लालू कांग्रेस के गठबंधन और जो सबसे मजबूत बताई जा रही है बीजेपी के गठबंधन से आगे ले जाएंगे, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जेडीयू तीसरे नंबर पर आएगी। एक और फर्क नजर आता है कि जब आप इन रैलियों में होते हैं तो नरेंद्र मोदी का विरोध तो होता है, बीजेपी का विरोध तो होता है, लेकिन जैसे ही ये आते हैं कि उनकी सरकार नहीं बनेगी तो किसकी, तो नेताओं की जबान लड़खड़ा जाती है। वो उतनी स्पष्टता से दावा नहीं करते हैं कि तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी और ये तय हो चुका है कि इसके ये नेता होंगे। नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री की दावेदारी करते हैं, लेकिन वो मोदी का विरोध कर रहे हैं। मगर यहाँ पर इस तरह से पेश किया जाने लगता है अचानक तदर्थ रूप में कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। ये एक स्पष्टता और अस्पष्टता के बीच का भी एक मामला है जो शायद नतीजों को किसी भी तरह से प्रभावित कर सकता है, झुका सकता है। संजय सिंह जी, अफजल भाई, हमने के गार्जियन पूर्व मंत्री रविन्द्रनाथ मिश्रा जी, सुनील जी, वशिष्ठ नरेंद्र मोदी जी के मीटिंग होला तो 20-20 को कैमरा लागल प्रचार होला। राहुल गांधी जी के भी यही तरह होगा। हम वहाँ से बड़ा विनम्र भाव से कहनी है कि रहो मुक्ता बिहार के बानी, रौराई जाने की हमने के नेता के अंतिम पायदान तक पहुँचल बा, हमने के कोई प्रचार तंत्र के जरूरत नहीं है।
यह चीज बा कि प्रचार तंत्र जौन बा ओ पर हमने मुन्ना जी के विकास तंत्र भारी बा। अभी शैलेंद्र जी से किया कि आपकी रैली में सोशल मीडिया नहीं, आईटी सेल नहीं है, हम मन से भी कह रहे हैं कि मैं सब पूछ रहा हूँ, पर फिर भी एक फर्क तो आपने देखा होगा। मैं आपके नजरिए से जानना चाहता हूँ कि क्या फर्क देखा इस तरह की भीड़ जिसमें साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान पृष्ठभूमि से लोग हैं, इनकी आर्थिक स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है, और जो बाकी रैलियों में देखिए, खासकर मैं राहुल और मोदी से तुलना करूं। अगर आप मोदी की रैली में जाओगे तो हर इंसान वहाँ पे पूरे मुखर होके मोदी चलाने लगता है कैमरा पे, लेकिन यहाँ पर वो हाल नहीं है। हम कितने भी लोगों के पास गए, किसी ने नीतीश नहीं चलाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ के लोगों के लिए कोई भी नई चीज वो उनको ज्यादा उसके लिए वो तैयार, मतलब उसके लिए ज्यादा उनको एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि कोई नई चीज आए, क्योंकि वो नीतीश को जानते हैं और लालू प्रसाद को जानते हैं, लेकिन शायद वो मोदी को नहीं जानते हैं। और अगर वो उनके लिए लगता है शायद कोई हो सकता है ज्यादा लोग हो सकते हैं यहाँ बीच में, है ना, हमारा लेकिन वो कोई एक दीवानगी वाला राजनीतिक संस्कृति नहीं है, है ना। जैसे लोग आप उनकी रैली में जाए तो तुरंत एक लड़का आगे बोलेगा कि मैं नमो फैन हूँ, यहाँ कोई आगे नहीं कहेगा मैं नीतीश फैन हूँ, यहाँ फैन नहीं है वहाँ फैन है।